सो हे गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। और गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ बंदों ने कमेंट किया था, ज्यादा नहीं, कुछ बंदों ने कमेंट किया था कि जब तक डांसिंग टास्क आएगा तब तक व्योमेश एलिमिनेट हो जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रहा होगा, इस इमेज में आरुषि गैरी के साथ टास्क परफॉर्म करते हुए दिख रही है। तो बहुत से बंदों के माइंड में क्वेश्चन उठ रहे कि व्योमेश चला जाएगा क्या इस वजह से आरुषि गैरी के साथ परफॉर्म कर रही है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना देता हूँ, जिसके अंदर आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या क्या होने वाला है। सो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। तो चलिए गाइस, आप वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस, इस वीडियो से पहले आप जाके प्लीज एक डांसिंग पार्ट वन मैंने बना रखा है, जिसके अंदर मैंने बता रखा है कि डांसिंग वाला टास्क अभी तक क्यों नहीं आया, उसका लेट होने का रीजन क्या था, वो उसके अंदर मैंने बता रखा है। तो प्लीज आप जाके एक बार वो वाली वीडियो भी आप चेक कर लेना, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं क्या गैरी के साथ आरुषि टास्क परफॉर्म करने वाली है। तो गाइस, अगर इसका आंसर सिंपली भाषा में दूना तो इसका आंसर है हाँ भी और नहीं भी। तो अब हाँ पे बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, गैरी के साथ वो टास्क परफॉर्म करने वाली है अवंतिका, और अवंतिका और गैरी कंफर्म है टास्क परफॉर्म करेंगे साथ में, लेकिन उनको आरुषि की भी जरूरत पड़ने वाले थोड़े से सीन के लिए, तो वहां पे आरुषि को प्रोमो में दिखाया गया। अब मैं इसका आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूं, आपको याद हो तो स्प्लिट्स विला X1 में भी एक कंपटीशन हुआ था डांस वाला टास्क, जिसके अंदर श्रुति और रोहन ने परफॉर्म किया था, तो उसमें हांडा की जरूरत थोड़ा सा पड़ा था, तो हल्के से सीन के लिए हांडा भी आई थी उनके साथ परफॉर्म करने, और फिर उसके बाद वो चली गई थी। सो सेम टू सेम हमें यहाँ पे भी देखने को मिलने वाला है, गैरी और अवंतिका टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, वहाँ पे थोड़ा सा किसी लड़की की जरूरत पड़ा होगा, तो वहाँ पे आपको पता है कि अवंतिका और गैरी की सबसे अच्छी दोस्त, मतलब कि सबसे अच्छी भी नहीं तो दोस्त तो है ना, तो आरुषि एक अच्छी दोस्त है, तो इस वजह से वो वहाँ पे आ जाएगी और वहाँ पे डांस परफॉर्म करेगी। और सबसे अच्छी आपको एक बात बताऊँ, आरुषि और व्योमेश दोनों में से किसी को भी डांस बिल्कुल भी नहीं आता है, और उसका प्रूफ आपको बगल वाली वीडियो में भी आपको मिल चुका होगा, जिसमें आरुषि और व्योमेश का आपने डांस देख ही लिया होगा। सो अब बात करते हैं कि व्योमेश इतनी जल्दी चले जाएंगे क्या, वो डांस वाले टास्क से भी पहले चले जाएंगे? तो गाइस, ऐसा नहीं होने वाला है, व्योमेश इतनी जल्दी नहीं जाने वाले डांस वाला, मतलब कि आप कह सकते हो फिनाले से जब 4-5 एपिसोड पहले होगा ना, तो उनकी इंजरी जो होगी ना वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब कि अभी तो हल्का फुल्का होगा, तो हल्का फुल्का वो सहन कर लेंगे और टास्क भी परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से इलाज ना होने के कारण इन फ्यूचर आगे और भी आगे, मतलब कि जैसे एपिसोड आगे जाते रहेगा वैसे उनका पेन ज़्यादा होते रहेगा, और इस वजह से उनको शो क्विट करके जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं वो जाने वाले, इतनी जल्दी नहीं जाने वाले, एकदम अच्छे तरीके से अपना छाप छोड़ने वाले स्प्लिट्स विला X3 के अंदर। और मुझे पता है बहुत से लोगों के फेवरेट भी है व्योमेश, तो यहाँ पे यार सभी चीज़ क्लियर हो जाते हैं कि आरुषि व्योमेश के साथ टास्क परफॉर्म करने वाले और गैरी और अवंतिका एक साथ टास्क परफॉर्म करने वाले। गैरी की थोड़ी सी मदद करने के लिए आरुषि स्टेज पे आने वाली है, तो बस इतना ही होने वाला और कुछ नहीं है। आपको पता है कि प्रोमो में स्प्लिट्स विला वाले बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के भी दिखाते, तो वो उसी तरीके से उन्होंने बढ़ा चढ़ा के ही दिखाया वहां पे। और हाँ, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।